नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पर। दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए अब ग्रामीणों को शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वो अपने नज़दीक ही एक कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर जाकर के अपनी बीमारियों का इलाज है जो करवा सकते हैं। तो किस प्रकार से वो इलाज करवाएंगे और क्या क्या उनको सुविधाएँ मिलेगी, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। दोस्तों, ये सुविधा सिर्फ सीएससी सेंटर के ऊपर ही उपलब्ध होगी और ₹1 में आपको ये सुविधाएं है जो मिल जाएगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। साथ ही साथ में चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लें। दोस्तों, पिछले महीने की 25 तारीख को लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही सीएससी के कामकाज को बंद कर दिया गया था, जिसे सोमवार से यानी 20 अप्रैल से इसे वापस से शुरू करने की इजाज़त भी मिल गई है। सीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत काम करता है और देश में 3 लाख से अधिक सीएससी सेंटर हैं। और सीएससी के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सोमवार से ग्रामीण इलाकों में स्थित है जो सीएससी सेंटर है वो ओपन हो जाएंगे और यहां मात्र ₹1 की फीस देकर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में सप्ताह के किसी भी दिन आप अपनी बीमारी का इलाज है जो टेलीमेडिसिन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आना है डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर और यहाँ आपको सर्च बार बटन में लिखना है OPD। जैसे ही आप OPD लिखोगे और इंटरप्रेस करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक OPD का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आपको यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आई एम एन एग्जिस्टिंग पेशेंट या आई ए न्यू पेशेंट। तो यदि आप नए पेशेंट हैं तो यहाँ पर आपको न्यू पेशेंट पर क्लिक करना है और यदि आप एग्जिस्टिंग यानी पहले आपने इसका रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर न्यू पेशेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इसको फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम फिल कर देना है, इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद में आपको ईमेल आईडी और इसके बाद में आपको इंटर योर ईयर ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके भर देना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से फिल कर देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो साल है वो हम भर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर एग्री टू द रिंग MD यहाँ पर यानी टर्म्स एंड कंडीशन को हमें सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में नेक्स्ट बटन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन खोल करके आ जाएंगे। अब आपको यहाँ क्या करना है कि सेलेक्ट करना होगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं है या आपको BP है या नहीं है। यदि है तो आपको यस पर क्लिक करना है और यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट ए डॉक्टर कैटेगरी यानी आपको कौन सी कैटेगरी के डॉक्टर से मिलना है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो कोई भी डॉक्टर, यदि आपको एलोपैथी है या होम्योपैथी है, जो भी आपको यहाँ से आयुर्वेदिक है तो आपको यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना है। होम्योपैथी है तो आप होम्योपैथी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर रीज़न फॉर कॉलिंग द डॉक्टर, यहाँ पर आपको रीज़न बताना है कि आपको किस रीज़न के कारण यहाँ पर आपको डॉक्टर से बातें करनी है। तो आप यहाँ पर उसका रीज़न को लिख देंगे। जैसे इसके अंदर एग्जांपल के लिए बताया गया, आई एम हैविंग हाई फीवर फॉर फ्यू डेज या 4 डेज। जो भी आपको जानकारी यहाँ पर देनी है वो यहाँ पर रीज़न बता सकते हैं कि आपको डॉक्टर से किस लिए बातें करनी है, तो वो आप यहाँ पर रीज़न दे दोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर प्लेस इंस्टेंट कॉल, तुरंत ही कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके अकाउंट से ₹1 का जो चार्ज है वो कट जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना जो रीजन था डॉक्टर को कॉल करने का वो मैंने लिख दिया है। इसके बाद में इंस्टेंट प्लेस इंस्टेंट कॉल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ₹1 का जो चार्ज है वो आपका तुरंत ही कट जाएगा। तो डॉक्टर की फीस है वो ₹1 है, तो आप ₹1 के अंदर डॉक्टर से बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फीस है वो दिखाई गई है ₹1 NR में। इसके बाद में आपको तुरंत ही यहाँ पर कनेक्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो CSC का पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको लगा देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वैलिडेट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वैलिड पिन मांगेगा, तो आपको वैलिड पिन भी यहाँ पर
डाल देना है और यहाँ पर पे नाउ पे पर बटन पर क्लिक कर देना है तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। यानी आपके जो CSC का वैलेट है उसके अंदर से ₹1 आपका कट जाएगा। और यहाँ पर डोंट क्लोज दिस विंडो, यहाँ पर डॉक्टर के साथ में बात करने के लिए घंटी जा रही है तो आप डॉक्टर के साथ में तुरंत ही बात कर सकते हैं। अपने ईयरफोन को अपने पास में रखें और कैमरा इसका ऑन रखें ताकि आपकी कॉल है जो डॉक्टर के साथ में हो जाए। तो इस प्रकार से आप इसका रजिस्ट्रेशन करोगे और डॉक्टर के साथ में बात करोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।